अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अहमद अली और प्रेसिडेंट 16754 जी में रहता हूँ और आज तारीख है 22 मार्च 2023। गुजरी हुई रात मेरे घर 4:30 बजे तीन आदमी घर के अंदर, तीन घर के बाहर चौकीदार को हैंडअप किया, चार बार गए, 10 लोग आए और घर के अंदर दाखिल हुए और सीधा उसी कमरे में गए जिस कमरे में लॉकर था और लॉकर उठा के ले गए, जिसके अंदर कम से कम 20 से 25 तोले सोना और डॉलर थे, पैसे थे। मैं चूंकि घर बना रहा था इधर, तो ये सब कुछ घर में रखा होता और शादियों का सीजन है वरना तो, और बस ये चोरी हुई। फिर सुबह उठ के 15 को मैंने फोन किया, बैरिया को किया, 15 वाले तो आ गए, बैरिया वाले लेट आए हजब आजाद। अब मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी बताऊं, और ये देखे आगे घर के अंदर इस तरह ये कूद कर आया और ये शीशा तोड़कर इन्होंने, ये शीशा तोड़कर इन्होंने ये सुराख करके दरवाजा से कुंडी खोली और सीधा उसी कमरे में गया। इत्तेफाक से मेरे बेटे का कमरा है, बहू अपने घर रहने गई है तो बेटा मेरे साथ नीचे सो रहा था, तो ये भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उस कमरे में कोई नहीं था। सीधा उसी कमरे में गए और उसी कमरे से लॉकर उठाया और कुछ चीजें उठाई, वो उसके अंदर एक पिस्तौल भी था, लाइसेंस था और दुनिया भर की चीजें थी। मेरी बीवी, मेरी मिसेस का भी ज्वेलरी थी और मेरी बहू का भी ज्वेलरी उसके अंदर थी। अब आप ये देखें कि बहरिया वाले एक मोबाइल आई है, लिख के चली गई है, अभी मैं थाने जा रहा हूँ FIR कटवाने, मगर मैं बहरिया के किसी भी इंतजामिया को, किसी मेजर को, किसी सिक्योरिटी इंचार्ज का जाऊंगा, मुझे 3 घंटे बाहर बिठा के रखेंगे और मिलेंगे नहीं। ये है बहरिया का, वो कटाप थाने से मोबाइल आ गई, 15 आ गई, मगर बहरिया वाले ना होने का। मैं कंप्लेने कर करके थक गया, यहाँ लाइटें नहीं जलती। स्टार न्यूज एंड व्यूज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी। यहाँ एक एक घरों के अंदर जो काम हो रहा है, 20-20 आदमी रहते हैं। बहरिया वालों ने अभी मेरे सामने उनको निकाला, उसकी भी क्लिप डालूंगा। देखा घर के अंदर 10-10 आदमी है, उनके सबके नाम लिखे, 10-10 आदमी रहते हैं यहाँ। अली ब्लॉक से इधर उधर से मजदूरों को निकाला, कंप्लेन कर करके थक गया हूँ, जू का तू नहीं है इनके ऊपर। और अब इतनी बड़ी चोरी हो गई है, हम दावत है परेशान है, कूद कर आए, हमारी तो दीवारें भी इतनी ऊंची हैं, समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है, अब यहाँ रहे नहीं रहे, छोड़ कर चले हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो के हवाले से आप सबको बोलता हूँ, एहतियात करें और जितने भी ताले लगा लें। ये 10-10 की टोलियों में है और ये बगैर गाड़ी के थे, ये जिन्होंने रोका जो गए तो चौकीदार छोड़ा तो सब पैदल ही गए थे यहाँ से, और उन्होंने घर जाके तिजोरी तोड़ी होगी, नंबरों वाली तिजोरी थी तो उनको पता चला होगा कि उनका तो छक्का लग गया, इतना बड़ी अमाउंट गया। तो खुदारा मेरे लिए दुआ करें, चोर पकड़े जाए। मैं भी FIR पक्की FIR कराने जा रहा हूँ, मगर ये जो कुछ कोई भी है, और बहरिया की सिक्योरिटी फेल है, बहरिया और बहरिया के जितने भी ऑफिसर्स हैं, किसी के भी कमरे में अभी चला जाओ, मैं मूवियां बना बना के भेजूंगा, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाहर इंतजार कराएंगे, चाहे वो सिक्योरिटी इंचार्ज हो या वो मेजर हो या वो कोई भी हो, 3-3 घंटे ही मुझे वेट कराएंगे। उससे पहले तो मैं FIR कटवाऊँ फिर जाऊंगा उनके पास, मजबूरी है और क्या रहे यहाँ। मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ, मगर इसलिए कि ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरा बेटा उस कमरे में नहीं था, बहू अपने घर रहने गई हुई थी मलिर कैंट, उसका 4 महीने का बच्चा भी था, ये भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह जो करता बेहतर करता। मगर आप सबको बताने का मकसद इस वीडियो के यही है कि भाई एहतियात करें, और क्या एहतियात होगी, 10 लोग आ रहे हैं गुड्डा गर्दी में, पैदल टहलते हुए आ रहे हैं, डकैती करके चले भी गए, कोई पूछने वाला नहीं है। राइट, 4 और 4:30 के दरमियान, ठीक है भाई, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज एंड व्यूज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी।